हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौशल साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है, हाँ वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी, वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप, नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको, उड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको, एफटीएल है, सीसीएमबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, हिमायत सागर के पास बना लिया आप। दुश्मनी करने वालों मुझसे दुश्मनी कर लो, फिर से गोलियां मारना है तो मार लो, शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा, फिर से तलवारों से जिस्म को छलनी करना है कर लो, चाकू से मारना है मार लो, लेकिन इस अच्छे काम को खत्म ना करो, इस अच्छे काम का पीछा ना करो। दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे लेकिन अल्लाह के सामने हर उस फर्द को जवाब देना पड़ेगा जिस फर्द ने इस काम के रास्तों में कांटे बिछाए हैं और जिसने इस काम को खत्म करने के साजिश एवं मंसूबे बनाए। इखलास, खुलूस, वसीउ दिल होकर अपील करता हूं कि साजिशों को बंद करो, काम को देखो, लेकिन अपील कर रहा हूं तो कोई यह ना समझे कि कमजोर हूं, नहीं कमजोर नहीं हूं, वो जुरत, वो ताकत, वो जुनून, वो दीवानगी अभी भी कायम है कि दुश्मन को खत्म करने का हुनर भी मुझे आता है, ताकत भी है, मुकाबला करने में कभी पीछे हटने वाले का नाम अब्दुल तीरों में से नहीं है। मारने वालों ने जब सीने पे गोलियां मारी, चाकू आए तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना सीना पेश किया था, अपनी पीठ नहीं पेश की। मेरे हाथ पूरे खराब है, अंगुलियां खराब है, जिस्म छन्नी है, हर जगह से कटा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे एक भी जख्म नहीं है, क्योंकि पीठ दिखाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है।